में आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नागपुर महानगर पालिका ने इस साल शहर के सभी तालाबों में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी है। धर्मपेट जोन अंतर्गत फुटाला तालाब के किनारों पर टीन की दीवार बना दी गई है ताकि कोई तालाब में मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सके। विकल्प के तौर पर मनपा की ओर से तालाब के पास ही मूर्तियों के विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उसके लिए कृत्रिम टैंक बनाए गए हैं जिनमें गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। धर्मपेट जोन के अध्यक्ष सुनील हिरनवार, पार्षद डॉक्टर परिणीता फुके, सहायक आयुक्त प्रकाश वराड़े ने गुरुवार को फुटाला तालाब परिसर में पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। फुटाला तालाब के आसपास के क्षेत्र में एक कृत्रिम विसर्जन टैंक स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए अलग से 10 मध्यम विसर्जन टैंक और 4 बड़े टैंक की व्यवस्था की गई है। ग्रीन विजिल फाउंडेशन के कौस्तुभ चैटर्जी और सुरभि जायसवाल और उनके सहयोगी पर्यावरण पूरक विसर्जन के लिए मनपा को सहयोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाते हुए नागपुर जैसे केंद्रीय शहर ने विभिन्न विचारधाराओं और मतभेदों का अनुभव किया, फिर भी हमारा लक्ष्य एक ही था, यही आज़ादी है। इस उत्सव में भारत की समावेशता को रेखांकित करने का आह्वान पालक मंत्री एवं राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। वे गुरुवार सुबह रिजर्व बैंक चौक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस कार्यक्रम में देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों की और वीर पत्नियों को सम्मानित किया गया। मंच पर संभागायुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर विमला आर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक प्रशांत जांबुलकर, सुभाष चंद्र, संतोष मिश्रा, कमांडेंट करुणा राय सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। स्वतंत्रता के अमृत पर्व को मनाते समय देश के इतिहास में विचार की विभिन्न धाराओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। नागपुर जैसे शहर में विभिन्न विचारधाराएं आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन बिना किसी हिंसा के हजारों साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए शांति मंत्र से आज़ादी मिली। इस महामंत्र का इस्तेमाल महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया था। चिकित्सा जगत द्वारा तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। त्योहार के चलते नागरिकों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। टीकाकरण प्रभावी है ताकि नियंत्रित कोरोना फिर से संकट बनकर प्रकट न हो है। इसके लिए जिला कलेक्टर आर विमला ने उन तहसीलों में टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं जो तहसीलें टीकाकरण में पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए शुक्रवार को जिला परिषद में टीकाकरण करें। उन्होंने संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय में भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसे अधिकारी आर विमला संबोधित कर रही थी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल माकनीकर, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल किशोर फुटाने, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईश्वर लखोटे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, जिला सर्जन डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर, शिक्षा अधिकारी चिंतामन वंजारी, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रविन्द्र काटोलकर, जिला खेल अधिकारी अविनाश पुंड उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में रामटेक, कुही, कामटी तहसीलों में टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाए। बिस्तर पर पड़े मरीजों और गर्भवती माताओं को टीकाकरण में वरीयता दी जानी चाहिए। पठन संस्कृति को लेकर काफी नकारात्मक देखने को मिलती है, लेकिन जब तक पुस्तक प्रदर्शनी जैसी गतिविधियां जारी रहेगी, पाठकों की पठन पाठन की भूख को तृप्त करने का कार्य बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि वास्तव में पुस्तक प्रदर्शनी प्रकाशकों और पाठकों के बीच एक समृद्ध कड़ी है। इस आशय के विचार वरिष्ठ पार्षद मनोज सांगोले ने नागपुर के रेसिडेंसी रोड स्थित तुली होटल के पास कॉफी हाउस के सामने सोशल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के ISI हॉल में अभिषेक बुक सेंटर द्वारा आयोजित भव्य पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। मंच पर अभिषेक बुक सेंटर के शशि भाई राय व दिनेश मंडल मौजूद रहे। सांगोले ने कहा कि ऐसे समय में जब ज्ञान का मूल्य घट रहा है, पुस्तक प्रदर्शनियों जैसी गतिविधियों को लागू करना समय की मांग है। पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन वह कड़ी है जो लेखकों, प्रकाशकों, विक्रेताओं और पाठकों को जोड़ती है। उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न साहित्यिक विधाओं जैसे खेल, बागवानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, धर्म, विज्ञान, वास्तुकला,
आध्यात्मिकता और बाल साहित्य की मराठी और अंग्रेजी, यह दोनों भाषाओं में काफी सारी पुस्तकें उपलब्ध है। नागपुर शहर के 28 लाख से अधिक नागरिकों में से 18 वर्ष से कम आयु के 17,54,000 व्यक्तियों को जनवरी में कोविड टीकाकरण की शुरुआत के बाद टीकाकरण का लक्ष्य था। बेशक टीकाकरण के लिए पात्र नागरिकों की संख्या 61% थी। इनमें से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में 40.07%, 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 12.5% और 60 वर्ष के आयु वर्ग में 8.5% टीकाकरण के लिए पात्र हैं। इनमें से 75% नागरिकों ने पहला और 31% नागरिकों का दूसरा डोज पूरा हो चुका है। महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने की अपील की। टीकाकरण के आंकड़ों की जोनल स्तर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा टीकाकरण धर्मपेट जोन और सबसे कम टीकाकरण सतरंजीपुरा जोन में हुआ है। धर्मपेट जोन के अंतर्गत इलाके में 19,54,000 नागरिकों ने अपना पहला डोज और 95,000 नागरिकों ने दूसरा डोज लिया है। सतरंजीपुरा जोन में 52,000 नागरिकों ने पहला और 20,000 नागरिकों ने दूसरा डोज लिया है। नागपुर महानगर पालिका ने आकांक्षा फाउंडेशन के सहयोग से शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए हैं। इन स्कूलों में छात्रों का दाखिला हो गया है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। आकांक्षा फाउंडेशन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि छात्रों को अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके अलावा शिक्षा समिति के 6 सदस्यों को निगम के स्कूलों में छात्रों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं, खिलौनों आदि की व्यवस्था और रखरखाव के लिए एक एक स्कूल की संरक्षता दी जाएगी। गुरुवार शिक्षा समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय में गुरुवार को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में हुई बैठक में शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दिवे, उपाध्यक्ष सुमेधा देशपांडे, सदस्य संगीता गिरहे, डॉक्टर परिणीता फुके, मोहम्मद इब्राहिम तौफीक अहमद, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सहायक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सुके, सुभाष उप से संजय दिगोरे, आकांक्षा फाउंडेशन के सोम सूर्व चैटर्जी आदि मौजूद थे। समिति की सदस्य यशस्वी नंदनवार ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल स्थापित किया गया है और प्रवेश प्रक्रिया जारी है। मंगलवारी जोन अंतर्गत वार्ड 1 जरीपटका क्षेत्र में 24/7 योजना के तहत जलापूर्ति का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। क्षेत्र के कई हिस्सों में जलापूर्ति कार्य लंबित और अधूरे है। मंगलवारी जोन चेयरपर्सन प्रमिला मथरानी और पूर्व स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र कुकरेजा ने संयुक्त रूप से OCW अधिकारियों को प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया। वीरेंद्र कुकरेजा व प्रमिला मथरानी ने जरीपटका क्षेत्र में 24/7 जलापूर्ति योजना के कार्य को लेकर जल आपूर्ति समिति के अध्यक्ष संदीप गवई के कक्ष में नागपुर महानगर पालिका जलापूर्ति विभाग व OCW के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक। इस बैठक में श्वेता बैनर्जी, मनोज गणवीर, संजय रॉय, MPC, राजेश कालरा, अनिकेत गाड़ेकर, मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी, जय सजवानी, हरीश मूलचंदानी, गुलशन दात्रे, कमल मोटवानी, सतीश तहलरमानी आदि उपस्थित थे। बैठक में वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र कुकरेजा और जोन चेयरपर्सन प्रमिला मथरानी ने मंगलवारी जोन के अंतर्गत OCW के कामकाज पर नाराजगी जताई। जरीपटका क्षेत्र में आंशिक व लंबित कार्यों से नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, अतः अधिकारियों को कार्य तत्काल पूर्ण कर नागरिकों को राहत दिलाने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, कामगार आघाड़ी नागपुर शहर तथा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संयुक्ता में शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नागपुर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले वर्ग 4 के कर्मचारी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, कक्ष परिचारिका पिछले 4-5 साल से सिर्फ 6,000 से 8,000 रुपए हर माह की पगार पर काम कर रहे हैं। यह सभी कर्मचारी में अभिजीत इंटेलियन सिक्योरिटी एंड लेबर सप्लायर नागपुर तथा क्रिस्टल कंपनी, स्पीक एंड स्पाइन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। काम कम रेट में किया गया है ये बताकर यह बड़ी कंपनी कामगारों का आर्थिक शोषण कर रही है। इनको न्यूनतम वेतन एक्ट के तहत पगार दिया जाए तथा सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाए। इन मांगों का निवेदन भाजपा कामगार आघाड़ी पूर्व विदर्भ संयोजक जयसी कछवाहा तथा पूर्व पार्षद भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर शहर के अध्यक्ष भास्कर पराते के नेतृत्व में सहायक कामगार आयुक्त
राजदीप धुर्वे को निवेदन सौंपा। इस अवसर पर कामगार अघाड़ी के अनिल करोसिया, अक्षय वाल्मीक, रुपेश निमजे, विजय पौनिकर, रजत पराते, अमृत भानु से, सचिन काटले तथा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी व कामगार अघाड़ी तथा साफ सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। पुलक मंच परिवार, महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था, अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा पयूर्षण महापर्व पर मंगल उद्बोधन भक्ति संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में दीप प्रज्वलन अखिल दिगंबर जैन सैतवाल संस्था के विदर्भ विभागीय सचिव राजेंद्र नखाते, महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र भुसारी, सुहासिनी पोहरे, राजश्री भुसारे ने किया। मंगलाचरण श्रेयांश मारवडकर ने किया। मंगल उद्बोधन डॉक्टर अर्चना जैन ने दिया। भक्ति गायन सुनील आगरकर, विभास गहानकर, रश्मि संजय जैन ने किया। कार्यक्रम का संचालन ज्वेली भुसारी ने किया। शिक्षाविद राजेंद्र नखाते के साथ डॉक्टर नरेंद्र भुसारी से हुई भेंट वार्ता में सवाल के जवाब में राजेंद्र नखाते ने कहा, शिक्षा क्षेत्र में काम करने का जुनून होना चाहिए। समाज की संस्थाएं रोजगार निर्मिति के साधन बनाए जिससे समाज के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभी जैन मंदिरों ने राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र लेना चाहिए जिससे समाज को लाभ मिल सकता है। सैतवाल जैन समाज को 2006 में OBC दर्जा मिला, उसका सरकारी आदेश पत्र लाकर समाज को जानकारी देकर मदद की। मुझे शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा आदिनाथ नखाते से प्राप्त हुई। मैं उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ जो कि स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाई जा रही है, इसी श्रृंखला में स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत OTA कामठी में बड़े जोश के साथ हुआ और युद्ध में विभिन्न ऑपरेशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्णिम विजय मशाल अपनी वापसी की यात्रा में गुरुवार को NCC OTA कामठी में पहुंची, जिसे चुन्नीलाल परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में स्वर्णिम विजय मशाल की टीम के कप्तान JB सिंह से मेजर जनरल अलोक बेरी, समादेशक NCC OTA कामठी ने प्राप्त किया। जनरल अफसर ने सभा को संबोधित किया और हमारे सशस्त्र बलों के अटूट साहस को याद किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 के युद्ध में हमारे देश के लिए एक निर्णायक जीत हुई। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता में स्वर्णिम विजय मशाल के महत्व को समझाया। समारोह में NCC OTA कामठी के सभी सैन्य परिवार तथा NCC OTA कामठी में प्रशिक्षण पा रहे सभी प्रशिक्षु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वीर नारियों, वॉर वेटरन तथा राजभाषा हिंदी दिवस एवं पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जनरल अफसर द्वारा बधाई दी गई और साथ ही समारोह का समापन हुआ। अंतरंग महिला चेतना मंच के पाक्षिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में हिंदी दिवस के अवसर पर मातृभाषा की कहावतों का हम पर प्रभाव, इस विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर स्वर्णिम सिन्हा ने कहावतों के भाषाई महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। पानी में शक्कर की तरह कहावतें भी भाषा में मिठास पैदा करती है, इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर अंतरंग संयोजिका द्वय श्रीमती सुनीता गुप्ता, श्रीमती शगुफ्ता काजी एवं सह संयोजिका श्रीमती रंजना श्रीवास्तव ने अपनी उपस्थिति से पटल को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा किसलय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कहावतें संस्कृति का सचल दस्तावेज होती है, भाषाओं की समृद्धि में उनका अहम योगदान है। श्रीमती मीरा जोगलेकर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। उपस्थित सखियों ने विषय की रोचकता, महत्ता, विविधता, सौंदर्य एवं भाषाई अवदान को रेखांकित करते हुए पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मारवाड़ी, राजस्थानी, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं हिंदी की शानदार कहावतें पेश की। डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव, सुधा राठौर, सुनीता केसरवानी, मधु सिंघी, रत्ना जायसवाल, सरोज गर्ग, सुषमा अग्रवाल, निर्मला पांडे, माया शर्मा, हेमलता मिश्र, मानवी एवं ऋतु आसई ने रोचक रोमांचक कहावतों से पटल को गुलजार कर दिया। राष्ट्रीय स्तर की संस्था जैन इंजीनियर सोसाइटी के नागपुर चैप्टर की ओर से इंजीनियरिंग्स डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नितिन नखाते का स्वागत उज्ज्वलन जैन और शशिकांत बानाइत ने किया। प्रमुख अतिथि रजनीश जैन का स्वागत जिगर शाह और सौरभ बंड ने किया।
विशेष अतिथि संजय नखाते का स्वागत तेजश्री महाजन और तुषार केवतकर ने किया। जेईएस नागपुर के संस्थापक अध्यक्ष आदेश जैन का स्वागत नितिन नखाते व रजनीश जैन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत आदेश जैन बरिया ने नमोकार मंत्र से की। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से भक्तामर स्त्रोत का पाठन किया। उपस्थित सभी इंजीनियर्स का अंग वस्त्र से अतिथियों द्वारा सत्कार किया गया। इंजीनियर्स दिवस के उपलक्ष्य में अखिल दिगंबर सैतवाल संस्था और जेईएस नागपुर ने संयुक्त रूप से पुलक मंच परिवार को एक कंप्यूटर प्रदान किया, जिसमें उमेश फुलंबरकर व श्रीकांत तूपकर का विशेष सहयोग रहा। प्रमुख अतिथि संजय नखाते ने युवाओं को आगे आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। विशेष अतिथि रजनीश जैन ने संस्था के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के विशेष में अपने विचार व्यक्त किए। नितिन नखाते ने भाषण में संस्था के भविष्य के बारे में सबको अवगत कराया। रेल प्रशासन के निर्देशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक आयोजित इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों तथा गाड़ियों में प्रत्येक दिवसों के थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 16 सितंबर को स्वच्छ जागरूकता, 17 सितंबर को स्वच्छ परिसर, 18 एवं 20 सितंबर को स्वच्छ स्टेशन, 21 सितंबर को स्वच्छ रेलगाड़ी, 22 सितंबर को सेवा दिवस, 25 सितंबर को स्वच्छ आहार, 26 सितंबर को स्वच्छ प्रसाधन, 28 सितंबर को स्वच्छ नीर, 29 सितंबर को स्वच्छ संवाद, 30 सितंबर को स्वच्छता समीक्षा, 1 अक्टूबर को सत्य निष्ठा एवं 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ सर्वोदय थीम पर कार्य किए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के प्रथम दिन गुरुवार को मोतीबाग खेल मैदान से बेली शॉप कॉलोनी मोतीबाग कॉलोनी में सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी आयोजित की गई। प्रभात फेरी मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के मार्गदर्शन में सेकरसा के अधिकारी डीएस डांगी सहित खिलाड़ियों एवं अन्य रेल कर्मियों अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने गुरुवार को धर्मपेट जोन अंतर्गत फुटाला तालाब में श्री गणेश विसर्जन व्यवस्था के कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ जोन सभापति सुनील हिरनवार और सहायक आयुक्त प्रकाश वराड़े भी थे। ग्रीन विजल फाउंडेशन की सुरभि जायसवाल के कौस्तुभ चैटर्जी ने उन्हें यहां की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। महापौर ने उनके काम की तारीफ भी की। इतवारी स्थित श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अंतर्गत श्रीमती सदाबाई नेमीचंद श्री श्रीमाल महावीर भवन में जारी जैन चतुर्मास के तहत यह विराजमान परम पूज्य प्रवीण कुंवर जी महासती आदि ठाना के सानिध्य में अनेक तपस्वी भाई बहन केवल जल ग्रहण करके बिना आहार एवं बिना औषधि उपयोग के सतत उपवास करने वालों में इतना उत्साह व्याप्त है कि ज्यादा से ज्यादा उपवास की तपस्या करने वालों की एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। इसी श्रृंखला में महावीर भवन में आज परम पूज्य महासती प्रवीण कुंवर जी के मुखारविंद से सीमा प्रदीप कोठारी अपने 30वें दिन के उपवास और चंदना ललित कोठारी अपने 17वें दिन के उपवास के संकल्प प्रत्याख्यान पचखान ग्रहण करेगी। मालूम हो कि दोनों सदस्याएं करण कोठारी ज्वेलर्स परिवार से हैं। इसी तरह कमला देवी काकरिया, खुशबू संजय गोलेछा, गुलराज सुनील गोलेछा और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती हर्षा गोलेछा दोनों साथ साथ 9वें उपवास और श्रीमती नेहा हार्दिक चोरडिया 8वें उपवास के प्रत्याख्यान लेगी। इस अवसर पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के सभापति राजेंद्र प्रसाद बैद, उपसभापति दिलीप राका और उपसंयोजक राजेश कांतिलाल शाह आदि मान्यवरों ने सभी समाज बांधवों से उपस्थित रहने की अपील की है। बुधवार को नागपुर में प्रताप नगर स्थित साहस गणेश उत्सव मंडल में किंग्सवे हॉस्पिटल प्रस्तुत एवं सह प्रस्तुत रोकड़े ज्वेलर्स तथा गिफ्ट पार्टनर विशाल एथनिक के सहयोग से देवाश्री गणेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साहस गणेश उत्सव मंडल एवं परिसर के नागरिकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनमें गोपाल बोहरे हिरण्य भागवत का देवाश्री गणेशा कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। देवाश्री गणेशा कार्यक्रम में रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से उनके स्टाफ की उपस्थिति रही, जिनके द्वारा
कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा सहभागियों को रोकड़े ज्वेलर्स के गिफ्ट वाउचर और अन्य गिफ्ट बांटे गए। इस दौरान रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा जारी स्कीम के बारे में भी उपस्थित मान्यवरों के समक्ष प्रस्तुति कर गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन एंकर विन्नी भागचंदानी ने किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण वीकेबी न्यूज पर मंगलवार शाम को किया गया। वीकेबी न्यूज जीटीपीएल केबल नेटवर्क के 470 नंबर चैनल और एशियन केबल नेटवर्क के 97 नंबर चैनल पर देखा जा सकता है। देवाश्री गणेशा कार्यक्रम को सफल बनाने अमोल शेंडे, मयूर पोगले, रोशन बोकड़े, सौरभ वाघमारे आदि सहभागियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। गडकरी द्वारा दो दिन तक हाईवे के काम पर नजर रखी जाएगी। गुरुवार को अवलोकन का पहला चरण था। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी गडकरी के साथ थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य से होकर जाएगा। इसकी 160 किलोमीटर तक सड़क हरियाणा से गुजरेगी। इनमें से 130 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य सौंपे जा चुके हैं और इस मार्ग के माध्यम से हरियाणा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से जोड़ा जाएगा। इससे चारों राज्यों में आर्थिक समृद्धि और विकास होगा। नागपुर महानगर पालिका ने बड़े पैमाने पर शहर के सभी जोन में गड्ढों को भरने का काम हाथ में लिया है। निगम के हॉट मिक्स विभाग द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य प्रगति पर है। महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने लोक निर्माण विभाग के तहत कार्यरत हॉट मिक्स प्लांट के इंजीनियरों को युद्ध स्तर पर गड्ढों की मरम्मत कर नागरिकों को राहत देने के निर्देश दिए थे। निगम द्वारा जोनवार गड्ढे मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी संबंधित जोन के उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को दी गई है। हॉट मिक्स प्लांट विभाग की ओर से जोन नंबर 1 से 10 अंतर्गत 12 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़क में मौजूद गड्ढों की समीक्षा जोन के संबंधित अभियंता द्वारा की गई थी। इस समीक्षा के अनुसार मरम्मत कार्य शुरू किया गया था। पिछले दो दिनों में कई जोनों में सड़क सुधार कार्य हो चुका है। महामेट्रो यशवंत स्टेडियम के सामने वाणिज्यिक स्थल का निर्माण करने जा रही है। इस स्थान पर एक टावर की जगह दो टावर बनाए जाएंगे और इन दोनों टावरों का निर्माण PPP के आधार पर किया जाएगा। स्थानीय बोलीदाताओं से अच्छा प्रतिसाद पाने के लिए महामेट्रो ने साइट में बदलाव किए हैं। यशवंत स्टेडियम के सामने दो भूखंडों का क्षेत्रफल 77,000 और 75,000 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र सरकार की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के अनुसार भूखंडों का फ्लोर स्पेस इंडेक्स 4.0 है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 289 फीट की ऊंचाई की अनुमति दी है। फुट ओवर ब्रिज FOB की मदद से दो टावरों को सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भूखंड पर कुल अनुमेय निर्माण 5,00,000 वर्ग फुट होगा। दोनों टावरों में बड़ी पार्किंग होगी। नागपुर मनपा DCR के अनुसार संबंधित ठेकेदार को दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध करानी होगी। साथ ही महामेट्रो को प्रत्येक टावर में 50 कारों के लिए पार्किंग की जगह देनी होगी। यह परियोजना न केवल नागपुर शहर का चेहरा बदल देगी बल्कि सीताबर्डी इलाके में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएगी। शहर के सभी निर्वाण घाटों में पहले अंतिम संस्कार के लिए सामग्री निशुल्क दी जाती थी, परंतु लगभग 3 वर्षों से शहर के 6 निर्वाण घाटों में अंतिम संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए शुल्क लिया जाने लगा है। इसी मुद्दे के मद्देनजर पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल महापौर दयाशंकर तिवारी से मिला। तोतवानी ने महापौर को बताया कि स्थायी समिति के ठहराव क्रमांक 155 के अनुसार अंतिम संस्कार हेतु बायोकॉल, बिकेट व गोबरी मुफ्त दी जाती रही है, लेकिन शहर के अन्य घाटों को छोड़कर केवल अंबाजरी, मोक्षधाम, मानेवाड़ा, मानकापुर, सहकार नगर, गंगाबाई घाट कुल 6 पर शुल्क लेना कहां तक न्याय संगत है। फिलहाल इन 6 घाटों पर लकड़ियों के 300 किलो का 2,412 रुपए शुल्क शोक संतप्त परिवार से लिया जा रहा है। शिष्टमंडल ने महापौर से भेदभाव नहीं करते हुए सभी घाटों में व्यवस्था निःशुल्क करने की मांग की। महापौर ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि वस्तु स्थिति से अवगत होकर शीघ्र ही सभी स्थानों पर निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। शिष्टमंडल में मंडल में पूर्व पार्षद संजय बोंडे, न्यू पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष परमानंद शंभुवानी, उदाराम मोरे आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही।
आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।